हरे कृष्ण। तो कल हमें भगवान ने बताया कि कर्म फल के पांच अंग हैं, देयर आर फाइव फैक्टर्स विच आर इन्फ्लुएंसिंग द एंटायर कर्मा साइकिल। वो क्या हैं वो हमें आज भगवान बताते हैं। सो वी हैव द 14th वर्स ऑफ द 18th चैप्टर ऑफ गीता एंटाइटल्ड द परफेक्शन ऑफ रिनंसिएशन। कृष्णा सेज अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। द प्लेस ऑफ एक्शन द बॉडी, द परफॉर्मर, द वेरियस सेंसेस, द मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ एंडेवर्स एंड अल्टीमेटली द सुपर सोल, दीज आर द फाइव फैक्टर्स ऑफ एक्शन। सो भगवान कहते हैं द फर्स्ट फैक्टर दैट इज इन्फ्लुएंसिंग द एंटायर कर्मा साइकिल इज अधिष्ठान। अधिष्ठान अर्थात वो शरीर जहां से कार्य हो रहे हैं, द बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिंग। सो अधिष्ठान इज द प्लेस वेयर द एक्टिविटी इज परफॉर्म। द सेकेंड फैक्टर इन द एंटायर कर्मा साइकिल इज कर्ता, मैं स्वयं जीव जो कार्य कर रहा है। शरीर तो ऊपर का कुर्ता है लेकिन मेरा हाथ हिल रहा है, इसलिए कुर्ते का भी हाथ हिल रहा है। सो ये कुर्ता जो है वो अधिष्ठान हो गया और मेरा हाथ जो है वो कर्ता हो गया। वैसे ही शरीर अधिष्ठान हो गया और उसके अंदर का आत्मा मैं कर्ता हो गया। देन द थर्ड प्रिंसिपल इन कर्मा साइकिल इज करण। तो शरीर है, मैं हूं, लेकिन शरीर का कौन सा भाग एक्चुअली कार्य कर रहा है? शरीर का एक्चुअली कार्य कौन से भाग कर रहे हैं? दश इंद्रियां, या अगर मन को भी ले लें तो 11। सो एकादश इंद्रियां, पांच वर्किंग सेंसेस, पांच नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस एंड माइंड। सो फाइव नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, नोज, टंग, स्किन, आईज एंड ईयर्स, फाइव नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। फाइव वर्किंग सेंसेस, हैंड्स, लेग्स, टंग, एनस एंड रेक्टम, और उसके साथ में मन, इन दसों इंद्रियों को दौड़ाने वाला। सो ये 11 इंद्रियां, ये करण है। इसीलिए यहां पे पृथक विधम शब्द का उपयोग किया गया। पृथक मीन्स डिफरेंट। सो अधिष्ठान एक ही है, ये शरीर, कर्ता एक ही है, जीव, करण 11 है, इसलिए पृथक विधम। देन द फोर्थ कंसेप्ट इन द एंटायर कर्मा साइकिल इज विविधाश्च पृथक चेष्टा। चेष्टा एक्चुअली हम जो सेंसेस से कार्य करते हैं, सो दैट इज चेष्टा। आई एम एंडेवरिंग टू डू सम वर्क। यहां पर भी विविध एंड पृथक, क्योंकि चेष्टाएं या एक्चुअल जो कार्य कर रहे हैं, वेरियस टाइप्स। एंड फाइनली कृष्णा से द फिफ्थ कारण इज दैव, सुपर सोल। सो दैव का हिसाब यहां पर सुपर सोल भी लगाया जा सकता है, या दैव का अर्थ वो सारे देवता जो अलग अलग शरीर के भागों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अवर आईज आर कंट्रोल्ड बाय समवन, अवर नोज इज कंट्रोल्ड बाय समवन, अवर हार्ट, अवर हैंड्स, लेग्स, एंटायर इवैक्यूएशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे अलग अलग देवताओं के द्वारा कंट्रोल्ड है। सो उससे काम होता है। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, इट्स साइंस। यस, एक गाड़ी है, अब गाड़ी में पिस्टन ब्लॉक ऊपर नीचे जाएगा, ये पेट्रोल का ब्लास्ट होगा, ये सारी चीजें होंगी, लेकिन इस पूरे मूवमेंट को कंट्रोल कौन कर रहा है? कार्बोरेटर। कार्बोरेटर में से जितना पेट्रोल और हवा का मिक्सचर जाएगा उतना ही तो फटेगा। अब कार्बोरेटर में कितना पेट्रोल और हवा का मिक्सचर जाना चाहिए वो कौन कंट्रोल कर रहा है? राइडर का हाथ। तो जितना घूमेगा, स्टेप बाय स्टेप चेक। सो कार्य कर रहा है पिस्टन ब्लॉक, पिस्टन ब्लॉक और उसके बाद में वो जो पूरा ड्राइव चेन मैकेनिज्म है वो कार्य कर रहा है।
लेकिन दिस एंटायर ड्राइव चेन मैकेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन कार्बोरेटर. सो कार्बोरेटर कैन बी लाइक देवतागण. जो कितना फ्यूल और कितना एयर जाना चाहिए वो डिटरमाइन करता है. और कार्बोरेटर भी अपने आप में इंडिपेंडेंट है क्या? नहीं. दैट इज डिपेंडेंट ऑन हाउ मच एक्सेलरेशन द राइडर गिव्स. सो वो है भगवान. यस yes. उनके हिसाब से सब चल रहा है. सो दिस इज हाउ वी सी वन थिंग इज लिंक्ड टू द नेक्स्ट. इसीलिए कर्म के ये पांच सिद्धांत बताए गए हैं. अधिष्ठान द बॉडी, कर्ता जीव, करण सेंसेस, पृथक चेष्टा डिफरेंट डिफरेंट एंडेवर्स, एंड दैव सुप्रीम लॉर्ड और वेरियस डेमिगॉड्स हु आर इन चार्जेस ऑफ सीइंग द वेरियस डिपार्टमेंट्स. ये पांचों को मिला करके कर्मों की श्रृंखला बनती है. सो वी सी इट इज नॉट इजी. इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म. क्योंकि जहां पर जितने सारे लोग सेम आ गए उतना ज्यादा रेड टेप या चीजें बढ़ती हैं. तो ऐसे ही कर्म इतना मुश्किल है. उसमें से भी ये पांच फैक्टर अपने अपने. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कर्मिक सिद्धांत. हम उसे बेसिक समझ सकते हैं और अपने जीवन में हमें क्या करना है इसका गंतव्य लगा सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.